हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिक बाइक के मामले में फिलहाल हमारे पास इंडियन मार्केट में काफ़ी कम ऑप्शन है। गिने चुने ही इलेक्ट्रिक बाइक इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसे में प्योर ईवी ने अपनी एक न्यू इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में लॉन्च की है, जो कि है प्योर ईवी इको ड्रिफ्ट 350। इस इलेक्ट्रिक बाइक की खासियत है ये सिंगल चार्ज में 170 किलोमीटर का रेंज कवर कर सकती है। आज इस वीडियो में हम इस इलेक्ट्रिक बाइक का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक बाइक के लुक के बारे में। तो डिज़ाइन के मामले में ये काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ आती है और काफ़ी यहाँ पर हमें अच्छे कलर देखने को मिल जाते हैं। ये इसका रेड कलर है, इसके अलावा ये ब्लैक, ब्लू और ग्रे कलर ऑप्शन में भी अवेलेबल है। यहाँ पर हमें इको ड्रिफ्ट 350 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और जहाँ पर हमें नॉर्मल बाइक्स पर यहाँ पर इंजन का पार्ट देखने को मिलता है, वहीं पर ये इसकी बैटरी है। यहाँ पर टैंक भी मिलता है, लेकिन ये इसका फ्यूल टैंक नहीं है, बल्कि ये है इसका चार्जिंग पोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप फ्यूल भरवाते हैं नॉर्मल पेट्रोल बाइक में, वहीं पर यहाँ पर इसका ये चार्जिंग पोर्ट है। बाइक पर हमें जो BLDC मोटर मिलता है वो 2 kW की नॉमिनल पावर और 3 kW की पीक पावर अचीव कर सकता है, और करीब 75 किलोमीटर इस बाइक की टॉप स्पीड है। इस बाइक पर हमें 80x100 सेक्शन का फ्रंट टायर मिलता है, 18 inches इसका साइज है। वहीं पर रियर साइड में भी हमें 80x100 सेक्शन का टायर मिलता है, इसका साइज है 17 inches। फ्रंट साइड पर हमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं, बट रियर साइड पर हमें डिस्क ब्रेक का फीचर नहीं मिलता। इस बाइक में हमें 3.5 kWh की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो कि सिंगल चार्ज में इस बाइक को 170 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करती है। ये है प्योर ईवी का स्मार्ट BMS ऐप। इस ऐप की मदद से आप इस इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी से कनेक्ट हो सकते हैं, और इस ऐप से ही इस बाइक की बैटरी को आप मॉनिटर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिलहाल इस बाइक की बैटरी 100% चार्ज है। तो इस इलेक्ट्रिक बाइक पर हमें मल्टीपल राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। फर्स्ट राइडिंग मोड पर इसकी टॉप स्पीड है 45 किलोमीटर और रेंज हमें इसमें मिलती है 170 किलोमीटर। वहीं सेकेंड राइडिंग मोड पर हमें 60 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलती है और 140 किलोमीटर की रेंज मिलती है। वहीं थर्ड राइड मोड पर हमें करीब 75 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलती है और रेंज मिलती है 105 किलोमीटर। इस बाइक में हमें काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिलहाल ये बाइक है पार्किंग मोड पे, तो मैं इसे कितना भी एक्सेलरेट दूँ ये आगे नहीं बढ़ेगी। अगर मुझे इस बाइक को आगे बढ़ाना है तो इसे पार्किंग मोड से हटाना पड़ेगा और फिर एक्सेलरेटर देने पर ये बाइक आगे बढ़ेगी। तो सेफ्टी के लिहाज से मैं बोलूँगा ये काफ़ी अच्छा फीचर है। प्लस इसमें हमें रिवर्स का फीचर भी मिल जाता है। ये रिवर्स बटन दबाने पर और एक्सेलरेट देने पर ये बाइक रिवर्स मोड पर पीछे भी हो जाती है बड़ी आसानी से, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। इस बाइक पर हमें हील होल्ड असिस्ट का भी फीचर मिलता है। अगर चढ़ाई वाले या ढलान वाले एरिया में ये बाइक अगर बंद हो जाती है तो ये अचानक से नीचे या फिर ऊपर नहीं जाती, बल्कि ये बाइक कुछ समय तक अपने आप को होल्ड करती है, जिससे कि इस बाइक को बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस बाइक पर हमें यहाँ पर एक LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पर प्योर ईवी का लोगो है। ये यहाँ पर राइडिंग मोड का फीचर शो होता है, ये बता रहा है कि फिलहाल ये बाइक पार्किंग मोड पर है। ये इसका बैटरी इंडिकेटर और ये है इसका ओडोमीटर। इस बाइक पर हमें ये स्पोर्टी हेडलैम्प वाला डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पर ये येलो कलर के DRLs भी हैं। प्लस यहाँ पर हमें ऑल LED हेडलाइट्स देखने को मिलती हैं। ये इसका इंडिकेटर है जो कि साउंड भी करता है। वहीं रियर साइड पर हमें ये LED टेल लाइट देखने को मिलती है, प्लस ये हमें LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप इस बाइक को ओन करते हो और गलती से कांच चाबी गुम हो जाए तो भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर आपको 4-4 चाबियाँ देती है। प्लस यहाँ पर 2 रिमोट कंट्रोलर का ऑप्शन भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये है प्योर ईवी इको ड्रिफ्ट 350 इलेक्ट्रिक बाइक। इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत है 1,29,999 रुपीज़। इस बाइक की अगर आप अपडेटेड प्राइस चाहते हैं तो अपने नियर बाय डीलरशिप पर जाकर विजिट कर सकते हैं, या प्योर ईवी की वेबसाइट पर भी आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको प्योर ईवी की ये इलेक्ट्रिक बाइक कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपका इस इलेक्ट्रिक बाइक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।